डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं आरयूएचएस के एग्जाम पेपर को, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 2019 में हुआ था, फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाला जो आपका पेपर है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस पेपर को डिस्कस करने का एक सिंपल सा मोटो ये है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको किस तरह से लिखना चाहिए, उसी मैटर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, ज्यादा नंबर मिले, वो पैटर्न में बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, तो आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज से छूटे नहीं और इस चीज से पीछे नहीं रहे। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके, जनरली जो आरयूएचएस के एग्जाम में आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये चार इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो जो क्या होता है, पहला ये रहता है कि आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है रोल नंबर के अलावा। यदि आप कुछ लिखते हैं तो उसमें अनफेयर मीन्स में काउंट किया जा सकता है। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है सेक्शन ए के लिए। दोस्तों, सेक्शन ए में क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू होंगे, जिसमें पांच पांच क्वेश्चन होंगे, और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको दो नंबर एक का होता है। तो इस तरह से टोटल 20 नंबर का सवाल वाला सेक्शन होता है, जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। उसी तरह से बी सेक्शन के लिए थर्ड पॉइंट रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 रहते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि दो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें और करने होते हैं, जिसमें तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डिस्क्रिप्टिव मोड में क्वेश्चन है और यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब यहाँ पे अगेन 20 नंबर वाला सेक्शन है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट रहता है दोस्तों, कौन सा सेक्शन सी के लिए, जिसमें क्वेश्चन 5, 6 और 7 रहता है, जिसमें सब क्वेश्चंस रहते हैं, 5 और 4 रहता है, जिसमें 5 में से 4 और 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इसका मतलब टोटल 7 क्वेश्चन करने होते हैं, सातों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं, इसलिए 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ये सेक्शन होता है। तो इस तरह से आपका डिविजन रहता है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं सेक्शन ए में कौन सा क्वेश्चन आया था 19 में। तो देखिएगा, पहला एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात कर रहा है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यहाँ पे सिंपल सा आपको डेफिनेशन लिखना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा डेफिनेट टू द पॉइंट बात करना, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और एक आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर उसकी उसी तरह से ध्यान देना सुपर सेचुरेशन, तो सुपर सेचुरेशन भी ध्यान देना, अगेन यहाँ पे इसका डेफिनेशन और एक इसका एग्जाम्पल दे देना ताकि आपको आंसर पूरे मिल जाए। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे फार्माकोपिया की डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पे ध्यान देना फार्माकोपिया की डेफिनेशन, और उसके बाद में इसका एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आपको शायद पता होगा आईपीबीपी यूएसपी वगैरह दे सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसी के तरीके से नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इससे इसका टू एग्जाम्पल ऑफ मास्किंग एजेंट। मैं यदि इसको क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो सबसे पहले मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन कहूंगा, जो मास्किंग एजेंट है इनकी डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन लिखने के बाद में दो एग्जाम्पल लिखूंगा, तब आंसर में कंप्लीट करूंगा। तो इस तरह से आपको भी इसी तरह से करना चाहिए ताकि आपको पूरे नंबर मिले, और पूरे नंबर मिलेंगे तो आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब अपन बात करते हैं इसी का सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें ध्यान देना अगेन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे सिंपल सा मैं डेफिनेशन कहूंगा दोनों की, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। ओके, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और साथ में मैं एक जरूर कहूंगा एक एक एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखे ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। ओके, सिमिलरली आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री, तो यहाँ पे सिंपल सी मैं बात करूंगा डेफिनेशन के साथ में, डेफिनेशन के साथ में यदि आप रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन लिख देंगे तो शायद समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि बच्चे को आता है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको आंसर करना है। फिर उसके बाद में आता सॉल्ट ब्रिज। तो दोस्तों, सॉल्ट ब्रिज आपने देखा होगा, इस तरह के जो सेल होते हैं, ये सेल में इस तरह से दो सेल बनाते हैं सेल, और इस सेल के दो दो सेल आपस में जुड़े रहते हैं इस तरह से एक पाइप से, उसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो इस तरह
का आप चाहो तो इसी तरह का डायग्राम बना देंगे, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पूरा हो जाएगा, साथ में उसकी डेफिनेशन बता दोगे तो 100% आपको पूरे में नंबर मिल जाएंगे क्लियरली। फिर उसके बाद मॉलरिटी एंड नॉर्मलिटी की बात हो रही है, तो मॉलरिटी और नॉर्मलिटी में डेफिनेशन लिखेंगे दोनों का और फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला में आपको वही फॉर्मूला लिखना नॉर्मलिटी और मॉलरिटी का, तो 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, फिर आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको आंसर कैसे करना है, सिंपल सा डेफिनेशन बताना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, और इसमें एक दो मेथड्स आपको एग्जांपल के तौर पे बता दो कि तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट में है। यदि ए सेक्शन आपने पूरा कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लेते हो तो 20 में से 20 नंबर मिलेंगे स्कोरिंग एज वेल एज पासिंग मार्क्स के लिए। ओके, अब अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ध्यान दीजिएगा, कोई दो क्वेश्चन करने होते हैं, मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो ध्यान दीजिएगा इसमें अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे एरर्स की, एरर की डेफिनेशन होती क्या है, और उसके बाद में टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स की आप लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, और फिर इंडिविजुअल आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, इंडिविजुअल एक्सप्लेन करते हुए उनका एग्जाम्पल लिखेंगे, तो आपको आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डाई एजोटाइजेशन। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे करना, डाई एजोटाइजेशन का डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन के बाद में प्रिंसिपल वर्ड लिखना है। प्रिंसिपल वर्ड लिखने के बाद में इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन को आपको नोट डाउन करना है और उस रिएक्शन की कंडीशन और सारी चीज मेंटेन बतानी है। डाई एजोटाइजेशन कौन करता है और उसके बाद में उसका मेथड बताना है। मेथड में उसका मेथड आप करोगे तो इसका फ्लो डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्लो डायग्राम में क्या होगा कि फ्लो चार्ट फॉर्म में आता है तो उसमें बेटर रहता है, और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा एक या दो लाइन में इसका एप्लीकेशन भी जरूर लिख देना ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। इस तरह से आपको दोस्तों क्या होगा, पूरे के पूरे आपने अटेम्प्ट कर लेते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, हाउ विल यू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ वेरियस कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन होगा किसकी, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का, और उसके बाद में उसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आपको पूरा डिटेल जाना है, जहां पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है डायग्राम बनाना है, जहां पे फॉर्मूला लिखना है वहां फॉर्मूला लिखना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे और आंसर करना पॉइंट्स में, तो आपको आंसर अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उसका। और उसके बाद में एंड पॉइंट के मेथड्स, एंड पॉइंट क्या होता है मैं यहां पे डेफिनेशन जरूर लिखने के लिए बोलूंगा, डेफिनेशन लिखेंगे उसके फिर उसके बाद में मेथड्स इसके कौन कौन से हैं, मेथड्स के पहले लिस्ट बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद में उसको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। तो और उसमें ध्यान देना, यदि आपको एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना। ओके, उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना ताकि आपको आंसर अच्छा बने। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन कर्व, डिस्कस द टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ध्यान देना क्या कह रहा है। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन कर्व की डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, डेफिनेशन लिख के आप एक एग्जाम्पल जरूर कोट कर देंगे यहाँ पे। ओके, सिंपल सा, और उसके बाद में कहां पे टाइट्रेशन का डेफिनेशन लिखना है, टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, फिर उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको एग्जांपल के तौर पे इसको NaOH और HCl का ले लेना है ताकि आपको आंसर करने में थोड़ा आसानी रहे। उसमें उसका कर्व बनाना है और उस कर्व की स्टेप्स और जो मेथड है उस मेथड को ध्यान देना, इसको फ्लो चार्ट में डिस्कस करना है। फ्लो चार्ट में यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, इसका आंसर आपको और अच्छे से कैसे लिखना है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा रखी है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको थ्योरेटिकली मिल जाएगा, वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको पूरा आंसर पता लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे करना है। ओके, ये सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दी।
अब वो दोस्तों अपन बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिएगा, सेक्शन सी में चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ आपके पास पांच ऑप्शन है, मैं पांचों का आंसर बता रहा हूँ, आपको जो मर्जी वो अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिएगा, पहला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्री। तो सिंपल सा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे ग्रेविमेट्री की, डेफिनेशन लिखने के बाद में और फिर उसका प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल में ध्यान रहे, यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डायग्रामेटिक। और इसकी स्टेप्स को क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में बताना, स्टेप्स को फ्लो चार्ट में बताना, ताकि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बेटर हो। क्लियर? फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, डिस्कस, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, और फिर जो टेक्निक्स है उन टेक्निक्स को आप क्या करेंगे, इस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई इंस्ट्रूमेंटल इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। फिर इंडिविजुअल सबको डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल सबको डिस्कस करेंगे। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में ना जाना, क्योंकि ये 5 ही नंबर का सवाल है, तो इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। क्लियर? फिर उसके बाद में ध्यान देना, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो यहां यहाँ पे मैं कहूंगा आपको, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड मर्करी इलेक्ट्रोड होता क्या है, फिर उसका आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के, यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद में उसका फिर वर्किंग लिखेंगे, सॉरी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने के में क्या करना है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, उसका क्या रोल होता है, वो चीज लिखनी है। और उसके बाद में इसका वर्किंग लिखना, वर्किंग कैसे लिखोगे, इसका फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में वर्किंग बताना बहुत इजी रहता है, तो आपको उसी तरह से बताना है, और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, टाइम भी कम लगता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लो चार्ट के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद में ध्यान देना, इलोबरेट द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये ऐसे का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे में क्या करते हैं, सिंपल सा, इसका सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल के बाद में उसका प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट में ही बताना है, और उसका लास्ट में उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इस तरह से, मतलब कौन सा इक्विवेलेंट फैक्टर को निकालते हुए, तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में है, व्हाट आर द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ एपिड्रिन। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन करना है, डेफिनेशन के बाद में नॉन एक्वस की डेफिनेशन बता दी, फिर एफिड्रीन का दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका ऐसे बताना है, ऐसे जिस तरह से आपको मैग्नीशियम सल्फेट में बोला था कि आपको पहले प्रिंसिपल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, और उसका फॉर्मूला लिखना है कैलकुलेशन के लिए, जहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर को निकालते हुए। तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है 6ठे क्वेश्चन का, जिसमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं जाना, टू द पॉइंट आंसर करोगे, 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, यहाँ पे कोई से 3 क्वेश्चन करने, 4 ऑप्शन है, मैं चारों क्वेश्चंस का आपको आंसर बताता हूँ। पहला है, हाउ विल यू प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज 0.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH की बात कर रहा है, और इसका 0.1 सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले आप इसकी कैलकुलेशन बताएंगे, कैलकुलेशन कौन सी की, कितने ग्राम लेना है, कितने ml में लेना, ये चीज बताना है कैलकुलेशन के हिसाब के बाद में। उसका दूसरा रहता है इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर में इसको बनाने का। तो ये पार्ट तो हो गया आपका इसका प्रिपरेशन का, ओके। फिर दूसरा पार्ट ये प्रिपरेशन का हो गया, ए सेक्शन। फिर उसका बी सेक्शन कौन सा रहेगा दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसका पहला रहेगा इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर आ गया, प्रोसीजर के बाद में इसकी कैलकुलेशन, दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन की मतलब इसको स्टैंडर्डाइज करने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि कैलकुलेशन हो जाए इसका स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से। तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है। क्लियर? फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ग्लास इलेक्ट्रोड वही चीज जिस तरह से अभी ड्रॉप मर्करी ड्रॉपिंग इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, तो यहाँ पे ध्यान देना कैसे करना है। ग्लास इलेक्ट्रोड का सबसे पहले डेफिनेशन कहेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद में फिर इसका आपको क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे। कंस्ट्रक्शन बता में हर पार्ट को डिस्कस करना विद रोल, और उसके बाद में इसका वर्किंग बताना है। वर्किंग कैसे बताओगे, फ्लो चार्ट में बताओगे, तो आपका आंसर बेटर होगा। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द डिटेल ऑफ फैजांस मेथड। तो दोस्तों, फैजांस मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये रूल क्या होता है इसके बारे में बताना है, फिर उसके बाद में आपको डायग्रामेटिक
प्रेजेंटेशन देना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या करना है, इसका प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल के बाद में इसका एप्लीकेशन बताना है, एप्लीकेशन कह लो आप या सिग्निफिकेंस कह लो, एक ही बात है, सिग्निफिकेंस कह लो एक ही बात है। तो इस तरह से आपको आंसर कंप्लीट करना है, क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड्स ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए आपको सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखना है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का, उसके बाद में इसका प्रोसीजर लिखना है या जिसको अपन मेथड बोलते हैं, प्रोसीजर को भी आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, और उसके बाद में इसका इंटरप्रिटेशन लिखोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल में ईच कंपोनेंट का रोल बताना, रिएक्शन बतानी, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना, ये सारी चीज लिख दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अपन ने सारा पेपर डिस्कस कर लिया, ये आपके इंस्ट्रक्शंस थे, ये आपका सेक्शन ए हो गया, ये आपका सेक्शन बी हो गया, ये आपका सेक्शन सी हो गया। तो यहीं पे मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत बेस्ट विशेष दूंगा, आप अच्छा एग्जाम लिखें, अच्छे नंबर पाए और अपने जीवन में अच्छा स्कोर करें और अच्छा टारगेट को अचीव करें, अपने टारगेट को अचीव करें। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि अपने उन दोस्तों को भी फायदा मिल सके। फिर से मैं आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वंस अगेन।